है आप सभी का इजी वेंकट चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार एसटीईटी 2024 कंप्यूटर साइंस से एग्जामिनेशन दिए हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका रिजल्ट जो आपका कब आएगा, जो आपका जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का पेपर दिए हैं, ठीक है। तो आपका पेपर टू का रिजल्ट कब आएगा वह हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्कस कर ले कि जो आपका पेपर वन है, ठीक है। तो जो आपका पेपर वन, तो आपका आपका जो है कंप्यूटर साइंस का नहीं होता है यहाँ बिहार में, तो पेपर वन जो है इसका आपका रिजल्ट जो है आपका लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आएगा, ठीक है। लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका जो है पेपर वन का रिजल्ट देगा, लेकिन पेपर वन में जो है आपका कंप्यूटर साइंस नहीं है। कंप्यूटर साइंस जो हम लोग का है वह हम लोग का जो है वह पेपर टू में है, ठीक है। क्योंकि आप इलेवेंथ ट्वेल्थ के लिए जो आपका सिर्फ आपका जो है एस टी टी ऑर्गेनाइज होता है कंप्यूटर साइंस का पेपर टू का। तो पेपर टू का जो आपका रिजल्ट है वह आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आने की संभावना है। मतलब पहले आपका रिजल्ट जो है आपका लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका पेपर वन का जारी किया जाएगा। पेपर वन के रिजल्ट आने के बाद जो है आपका पेपर टू का रिजल्ट आएगा जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस इंक्लूड है, वह आपका जो है अगस्त में आने की संभावना है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो आपका पेपर टू का आपका जो है रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी स्टूडेंट क्वालिफाइड कर जाएंगे उनके लिए जो आपका 3.4.0 का भी एग्जामिनेशन जो आपका जल्दी होने वाली है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे कि आपका 4.0 कब तक हो सकता है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट एसटीईटी क्वालिफाइड कर जाएंगे और जो स्टूडेंट एसटीईटी क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे उनका एग्जामिनेशन जो है आपका नवम्बर लास्ट वीक या आपका दिसंबर में जो आपका होने की चांस है आपका एसटीईटी पेपर टू, ठीक है। एसटीईटी का जो आपका फर्स्ट फेज हो चुका है और आपका सेकेंड फेज जो है आपका एसटीईटी का वो आपका नवंबर या दिसंबर में होगा, ठीक है। तो वह स्टूडेंट जो आपका 3.5 में अपियर होंगे, 3.4 में अपियर नहीं हो पाएंगे जो इस बार क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। जो स्टूडेंट इस बार क्वालिफाइड करेंगे, ठीक है, जो आपका एसटीईटी 2024 का जो पहला फेज हुआ है जो स्टूडेंट यहाँ क्वालिफाइड करेंगे वही सिर्फ 4.0 में अपियर होंगे, ठीक है। और जो फेज टू क्वालिफाइड करेंगे वह 5.0 में जाएंगे, ठीक है। यही अपडेट था आपका, आपका रिजल्ट जो है आपका पेपर टू कंप्यूटर साइंस का अगस्त में आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है बीपीएससी 3 एग्जामिनेशन से रिलेटेड या आपका एसटीईटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।